हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लोकस क्लासेस। मैं प्रफुल्ल श्रोती। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मुगल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई, बाबर भारत में कब आया, पानीपत का प्रथम युद्ध, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत में कितने आक्रमण किए थे, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्त, वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लोकस क्लासेस। मैं प्रफुल्ल श्रोती। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मुगल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई, बाबर भारत में आया और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर भारत में कब आया, 1526 में आया। 1526 में आने के पश्चात पानीपत का प्रथम युद्ध उसने इब्राहिम लोदी के साथ किया, जो कि अफगानी शासक था। उसकी मृत्यु होने के पश्चात बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी कलंदर था। तो आज हम मुगल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई, और एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत में कितने आक्रमण किए थे। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत में 4 आक्रमण किए थे, और वो 4 आक्रमण पहला 1519 में किया सिंध पे। बाजौर एक नामक स्थान था, वहां पे भैरागढ़ नामक किले पे अटैक किया। उसके बाद 3 अटैक 1520 से 21 के बीच में उसने सिंध और कश्मीर पे किए, और उसके पश्चात इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, जो दिल्ली पे सूबेदार थे, गवर्नर थे, और पंजाब पे दौलत खां लोदी और राणा सांगा मेवाड़ पे, इन तीनों लोगों ने मिलके बाबर को भारत पर यानी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया कि यहां आप आक्रमण करो, सिंध और कश्मीर पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को पराजित किया, उसके पश्चात 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अब हुआ क्या दोस्तों, जब बाबर को राणा सांगा, जो कि मेवाड़ में था, राजस्थान में था, राणा सांगा का नाम हमको पता ही है, संग्राम सिंह, तो बाबर को राणा सांगा ने कहा कि तुम यहां आओ और इब्राहिम लोदी को जान से मारो, जान से मारोगे आपका मैं साथ दूंगा, क्योंकि बाबर के पास केवल 12,000 सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास 100,000 सेना थी। तो बाबर को जब राणा सांगा ने यह कहा, यानी संग्राम सिंह ने यह कहा कि आप यहां आओ और इस युद्ध में मैं आपका साथ दूंगा, और वो ये सोचता था कि जो मंगोल हैं, क्योंकि बाबर तैमूर वंश से भी अपना ताल्लुकात रखता था और मंगोल से भी अपना ताल्लुकात रखता था, तैमूर वंश यानी कि जो उसके पितर की पितृपक्ष से था, यानी जो उसके पिता थे वो तैमूर वंश से थे, उसका वो 5वां वंशज था, और चंगेज खान से वो, यानी जो उसकी माता थी मातृपक्ष से, वो 14वां वंशज था। तो तैमूर और चंगेज खान वंश से था ये, तैमूर से और मंगोल से। इसने यहां आने के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की। तो राणा सांगा सोचता था कि बाबर यहां आएगा और वो मंगोलों से फॉलो करता है, तो बाबर यहां रुकेगा नहीं, बाबर यहां से चला जाएगा। जब उसे पता चला कि बाबर यहां आके मुगल वंश की स्थापना करेगा, और पानीपत के युद्ध में राणा सांगा ने उसका साथ नहीं दिया। साथ नहीं देने के पश्चात बाबर ने जब भारत में मुगल वंश की स्थापना कर ली, उसके बाद उसने राणा सांगा के साथ भी युद्ध किया। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम स्टार्ट करते हैं इतिहास से। मैंने बताया था इतिहास को कितने भाग में विभाजित किया है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो इतिहास हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। मैंने बताया था दोस्तों आपको कि प्राचीन इतिहास में हम हिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिमों के बारे में पढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। हम यहां लिख देते हैं, दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बीच में एक और पीरियड था जिसे कहा जाता है पूर्व मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास का जो काल था वो था 712 से 1206 तक।
712 की जो वीडियो थी वो हमने पहले शूट कर दी है, अरबों का भारत में आक्रमण कैसे हुआ था ये हम इसमें पढ़ चुके हैं। ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास का पीरियड था, इसमें हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने साथ ही शासन किया था। तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास का हमने एक वीडियो शूट किया था अभी, अब हम पढ़ते हैं आज मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन इतिहास में जो शासन किया उसको हमने दो फेस में डिवाइड किया है, वो हम एक बार डायग्राम के साथ देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतिहास को हमने तीन भागों में विभाजित किया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। उसी के बीच में एक और पीरियड था जिसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पीरियड कितना था, क्योंकि पूर्व मध्यकालीन का जो पीरियड है वो है हमारा 712 से 1206 तक का। तो मध्यकालीन का पीरियड कितना होगा, 1206 से 1857 तक का। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का पीरियड था। मध्यकालीन इतिहास को हमने दो खंडों में विभाजित किया है, पहला दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया 1206 से 1526, और दूसरा मुगल वंश 1526 से 1857 तक। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, दूसरा मुगल वंश 1526 से 1857। ये डिवाइड इसलिए किया गया यानी हमें आसानी हो जाए समझने की इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए। दिल्ली सल्तनत में जो भारत पे शासन किया गया, हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं किस किस ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में और मुगल वंश में, क्योंकि आज हमें यही डिस्कस करना है मुगल वंश का। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत थोड़ा समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी समझने की कि कैसे मुगल वंश यहां आया और वहां स्थापना की बाबर ने मुगल वंश की। तो हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं क्या हुआ था दिल्ली सल्तनत में, कौन कौन से वंश ने शासन किया। फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है दिल्ली सल्तनत का जो हमारा काल था वो कब से कब तक था, 1206 से 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत पे जो प्रथम वंश की स्थापना की गई भारत में वो वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश भारत में आया जो पहला मुस्लिम वंश था, और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और इसका पतन 1290 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी, जो इसका संस्थापक था वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों बात ये आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था हमारा वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसलिए हम इसे गुलाम वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, रजिया सुल्तान बैठी, तो क्या वो भी गुलाम थे, तो इसे हम गुलाम वंश नहीं कह सकते। इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसके दो नाम और हैं, एक नाम है इसका इलबरी वंश और दूसरा नाम है ममूलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत में आने वाला प्रथम वंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश को हम इलबरी वंश तथा ममूलक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। ये भारत में आने वाला प्रथम वंश था। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा वंश कौन सा था, दूसरा वंश था हमारा खिलजी वंश। इसकी स्थापना 1290 में हुई और कब तक रहा ये, 1320 तक। खिलजी वंश का जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी।
क्या नाम था? जलाल उद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। इस पे काफी विरोध हो रहा था अभी जो पद्मावती मूवी रिलीज हुई थी। हम करेंट इश्यूज को भी लेके चलेंगे। पद्मावत जो लिखा गया बुक वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में। इस पे काफी इशू था, अभी हम समझेंगे। खैर हमें आज मुगल वंश से स्टार्ट करना है तो मैं इसका ओवरव्यू समझा रहा हूं। हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बहुत जल्द। तो भारत में आने वाला जो दूसरा वंश था वो था खिलजी वंश। दूसरा खिलजी वंश के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो जो हमारा तीसरा वंश था वो था हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का पीरियड कितना था? 1320 से 1414 तक। इसका संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना भारत में की गई थी। यह भी दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। चौथा वंश, जो चौथा वंश था वो था हमारा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 में। और कब तक रहा? 1451 तक। अभी इसका क्वेश्चन भी आया था एसएससी सीजीएल में कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो जो सैयद वंश का संस्थापक था वो हमारा था खिज्र खान। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 में खिज्र खान के द्वारा की गई थी। ये दिल्ली सल्तनत पे आने वाला चौथा वंश था। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है वो है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई और लोदी वंश भारत में रहा कब तक? 1526 तक। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और यही भारत में आने वाला प्रथम अफगानी वंश था। ध्यान रखना इस बात को, भारत में आने वाला प्रथम अफगानी वंश कौन सा था? तो वो था लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी के द्वारा की गई और लोदी वंश के द्वारा नहीं, आगरा शहर की स्थापना हुई थी 1504 में। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ये था हमारा दिल्ली सल्तनत के वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब लास्ट जो हम बात कर रहे थे मुगल वंश के, क्योंकि आज हमें वही डिस्कस करना है। ये हमने बस ओवरव्यू दिया था। जो भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास में वंश आए थे वो ये वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल। मुगल वंश भारत में कब आया? 1526 में। और कब तक रहा? 1857 तक। अब एक बात दोस्तों हम ट्रिक समझ लेते हैं। जो भारत में वंश आया हमें याद नहीं हो पाया होगा, गुलाम आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी आया, फिर मुगल आया। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं मध्यकालीन इतिहास के वंशों की ट्रिक। भारत में जो मध्यकालीन इतिहास में वंश आए थे उनकी ट्रिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सबले मरे। गुल खिले तो सबले मरे। गुल से क्या हो गया हमारा? गुल से हो गया गुलाम वंश। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? खिले से क्या हो गया? खिले से हो गया खिलजी वंश। तो से क्या हो गया? तो से हो गया तुगलक वंश। बा हमारा साइलेंट है, वो हमने ट्रिक के लिए लगाया था। सा से क्या हो गया? सा से हो गया सैयद वंश। ले से क्या हो गया? ले से हो गया लोदी वंश। रे भी हमारा साइलेंट है
और माँ से क्या हो गया, माँ से हो गया हमारा मुगल वंश। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में वंश आए थे। गुलाम से लेके लोधी वंश तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत, और मुगल को हमने मध्यकालीन इतिहास का दूसरा पार्ट माना है। यानी मध्यकालीन इतिहास का जो हमारा पहला लेक्चर होता है वो दिल्ली सल्तनत का, दूसरा हमारा मुगल वंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मुगल वंश के बारे में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुगल वंश की जो स्थापना की गई वो हम सभी जानते हैं बाबर के द्वारा की गई। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। वैसे तो मुगल वंश का जो पीरियड है 1526 से 1857 तक है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1707 तक। 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। तो मुगल वंश में जो काफी पावरफुल किंग थे, शक्तिशाली राजा थे, वो कौन कौन से थे, एक बार हम ट्रिक देख लेते हैं। मुगल वंश के शासकों की ट्रिक, मुगल वंश के शासकों की ट्रिक। तो जितने भी मुगल बादशाह थे, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो शाहजहां, चाहे वो औरंगजेब, इनको क्या कहा जाता था, बादशाह। अब हम लिखेंगे क्या, बादशाह। इनको बादशाह कहा जाता था, हमने लिख क्या दिया, बादशाह। अब हम डी को रिप्लेस कर देंगे, डी वर्ड को हम चेंज कर देंगे जे में, तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, बादशाह। यही वर्ड हो जाएगा ना, डी को हमने चेंज कर दिया किसमें, जे में, तो वर्ड क्या हो गया, बादशाह। बी फॉर क्या हो गया, बाबर। एच फॉर हुमायूं। ए फॉर अकबर। जे फॉर जहांगीर। एस एच फॉर शाहजहां। और ए फॉर औरंगजेब। बाबर कब बैठा, 1526 में, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। यहां तक ही हमें पढ़ना है। तो जो मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे वो कौन कौन से थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये काफी शक्तिशाली शासक थे। अगर हम बात करें मुगल वंश के सारे शासक कौन कौन से थे, कौन कौन बैठा मुगल वंश में, तो हम उसके भी देख लेते हैं, मुगल वंश के शासकों की ट्रिक। जितने भी रूलर्स थे, जो हमारी ट्रिक है वो है भाजी की सब्जी, फॉर मासा। भाजी की सब्जी बनाई, और वो किसके लिए बनाई, मासा के लिए। भाजी की सब्जी फॉर मास साहब। अब इन वर्ड्स को हम अलग अलग कर देंगे। पहला वर्ड क्या है, बी, दूसरा वर्ड एच, फिर ए, जे आई को हम साथ लिखेंगे, के आई, फिर एस, फिर ए, फिर बी, फिर जे आई, फॉर एम, ए ए एस एच ए बी। ये वर्ड हमने सारे लिख दिए। ट्रिक क्या है, भाजी की सब्जी फॉर मास साहब, अलग अलग वर्ड कर दिए, बी एच ए जे आई के आई, फिर एस ए बी जे आई, फॉर एम ए ए एस एच ए बी। बी फॉर क्या हो गया हमारा, बाबर। एच फॉर हुमायूं। ए फॉर अकबर। जे आई फॉर जहांगीर। के आई हमारा साइलेंट है। एस फॉर शाहजहां। ए फॉर औरंगजेब। इतना तुमने बता ही दिया ना पहले बादशाह ट्रिक से। बी फॉर बहादुर शाह। जे आई फॉर
जहादर शाह, फोर फॉर फरुख शियर, एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह, ए फॉर आलमगीर द्वितीय, एस एच फॉर शाह आलम द्वितीय, ए फॉर अकबर द्वितीय और बी फॉर बहादुर शाह जफर। ये हमारे मुगल वंश के सारे शासक थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फरुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो आज जो मैं डिस्कस करना है वो करना है मुगल वंश, और मुगल वंश में भी किसके बारे में डिस्कस करना है, बाबर के बारे में। तो बाबर ने ही भारत में 1526 में क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर ने जब भारत में मुगल वंश की स्थापना की, उससे पहले भारत में कौन सा वंश था, तो मैंने बता दिया लोदी वंश। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में जो हुई थी वो हुई थी बाबर के द्वारा। बाबर का पूरा नाम क्या था, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, पूरा नाम ये था इसका, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ज्यादा छोटा नाम है या बड़ा नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, ये बाबर का पूरा नाम था। अब हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं, बाबर ने कैसे स्थापना की, कहां का शासक था वो, उसके पिता का नाम क्या था, तो ये सारा आज हम पढ़ने चलते हैं। बाबर ने जो भारत में रूल किया था वो 1526 से 1530 तक किया था। दोस्तों एक बात और, इतिहासकार कहते हैं मुगल वंश भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। जो मुगल वंश है वो भारत का कौन सा स्वर्णकाल है, भारत का दूसरा स्वर्णकाल है। भारत का दूसरा स्वर्णकाल हम मुगल वंश को कहते हैं। अब प्रथम स्वर्णकाल कौन सा है हमारा, तो जो हमारा प्रथम स्वर्णकाल है वो है गुप्त वंश। भारत का जो प्रथम स्वर्णकाल वंश था वो था गुप्त वंश, और इतिहासकार मुगल वंश को भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, वो इसलिए कहा जाता है यहां जो भी कार्य हुए, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, वो एकदम विकसित रूप में हुए, चरम सीमा पे हुए। यानी अकबर के काल को हम भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि यहां महाभारत, रामायण सारी भाषाओं का अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, और अकबर ने ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाई थी वो फारसी भाषा बनाई थी। तो सारी पुस्तकें, अधिकतर पुस्तकें अकबर के पीरियड में अनुवादित हुई फारसी भाषा में। तो भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल जिसे कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है। दूसरा जहांगीर, जहांगीर के काल को हम भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं।
जहांगीर के काल को हम भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर कहता था, इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर कहता था कि अगर मेरे दरबार में कोई भी एक चित्र बनाया जाता है, भले ही उसे 5 चित्रकार बनाएं, तो मैं ये बता सकता हूं कि यह चित्र, यह कलाकृति किस चित्रकार के द्वारा दी गई है। तो जहांगीर के काल को हम भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। अब बात आती है शाहजहां की। शाहजहां के काल को हम भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इसी के पीरियड में काफी इमारतें बनी थी, दीवाने आम दीवाने खास जो बनाया गया लाल किला में, वो इसी के पीरियड में बनाया गया था। तो इसलिए भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये था हमारा, इसलिए हम इसे भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया कि भारत का स्वर्ण काल, दूसरा स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है मुगल वंश को, क्योंकि अकबर के पीरियड में साहित्य का स्वर्ण काल था, क्योंकि यहां काफी पुस्तकों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल था, क्योंकि यहां नई इमारतों का बनाया गया। और चित्रकला का स्वर्ण काल हमारा जहांगीर का काल था। तो हम पढ़ते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी हमारे बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर गद्दी पर 1526 में बैठा, और कब तक बैठा? 1530 तक बैठा। आज हमें बाबर के बारे में ही पढ़ना है। बाबर ने इन 4 सालों में क्या किया, और उससे पहले क्या करता था बाबर, कहां रहता था? तो बाबर जो था, वो बाबर हमारा तैमूर से पांचवा वंशज था। बाबर अपने पितृपक्ष से, यानी पैटर्नल साइड से, तैमूर का पांचवा वंशज था, और अपने मातृपक्ष से, यानी मैटर्नल साइड से, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये अधिकतर पूछा जाता है, बाबर जो था वो पितृपक्ष से, यानी पैटर्नल साइड से, तैमूर वंश का पांचवा वंशज था, और मातृपक्ष से, यानी मैटर्नल साइड से, चंगेज खान का, यानी मंगोल का 14वां वंशज था। तो बाबर जो था वो अपने पिता की साइड से तैमूर वंश से पांचवां वंशज था, और माता की साइड यानी मातृपक्ष से मंगोल यानी चंगेज खान का 14वां वंशज था। समझ में आ गया दोस्त? तो भारत पे ये तैमूर से जो शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक, वो था तैमूर लंग। कौन था? तैमूर लंग। और यहां से कौन था चंगेज खान से, यानी मंगोलों से? ये था चंगेज खान। मंगोलों में जो सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक था, वो था चंगेज खान। इन दोनों ने ही भारत पे अटैक किया था। चंगेज खान 1221 में आया। 1221 में कौन होगा दोस्त? मैंने बता दिया है आपको। तो 1221 में जब आया था, तो तब कौन था? गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश था। जब चंगेज खान भारत में 1221 में आया था, तब शासक कौन था? इल्तुतमिश था। तैमूर की तरफ से, यानी तैमूर लंग जो यहां भारत में आया, वो कब आया? 1398 में आया। तैमूर लंग 1398 में आया, तब शासन किसका था भारत पे, कौन था? तो वो था हमारा तुगलक वंश, और तुगलक वंश का शासक था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद तैमूर से, यानी तैमूर लंग भारत में जब 1398 में आया, तब भारत पे तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इन दोनों ने ही, मंगोलों ने भी और तैमूरों ने भी, भारत पे आक्रमण किया था। चंगेज खान आया 1221 में, और तैमूर से, यानी तैमूर लंग आया 1398 में। बाबर कौन था?
तैमूर यानी अपने पितृपक्ष से पांचवा वंशज था तैमूर का, और मंगोल से यानी अपनी मातृपक्ष से चौदहवा वंशज था मंगोल का, चंगेज खान का। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर, ये ध्यान रखने हैं हमें। अब हम बात करते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम था जहीर उद-दीन मोहम्मद बाबर। जहीर उद-दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम था। बाबर पैदा कब हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जो जन्म हुआ वो 14 फरवरी 1483 को कहां हुआ था? फरगना में। फरगना तुर्की। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना तुर्की में हुआ। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीर उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? तो वो था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, ये बाबर के पिता का नाम था। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार बेग। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार बेग था। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। कहां हुआ? फरगना तुर्की में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार बेग। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, जो बाबर के पिता थे, जो बाबर के पिता थे वो शासन कर रहे थे कहां पे? फरगना में, फरगना तुर्की में। बाबर के पिता शासन कहां कर रहे थे? फरगना में। बाबर की 11 वर्ष की आयु में, जब बाबर 11 वर्ष के थे, 11 वर्ष की आयु में बाबर के पिता का निधन हो गया। यानी बाबर पैदा कब हुए? 1483 में। 11 वर्ष की आयु में इनके पिता का मृत्यु हो गई, यानी कि जब 1494 का पीरियड था, 1494 का पीरियड था, 1494 में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उस वक्त बाबर 11 वर्ष की आयु के थे, तब गद्दी पे बैठे थे, ये ध्यान रखना। बाबर गद्दी पर फरगना की पे कब बैठा? 1494 में। तब उसकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। दोस्तों एक बात और, इतिहासकार कहते हैं कि मुगल वंश ने जो शासन किया 1526 से लेके 1707, वैसे तो 1857 तक था, तो मुगल वंश ने जो 331 साल शासन किया, वो शासन तो उनको करना ही था। अब वो क्यों करना था? वो इसलिए करना था, जो इनका खूनी रंग था, जो इनके अंदर खून बह रहा था, वो तैमूर और मंगोलों का बह रहा था, जो कि काफी शक्तिशाली शासक थे। तो 331 साल क्या, इनको तो और ज्यादा शासन करना था। तो बाबर गद्दी पर कब बैठा? बाबर गद्दी पर 1494 में फरगना की गद्दी पर 11 वर्ष की आयु में बैठा। समझ में आ रहा है फ्रेंड, नहीं आ रहा? बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी, जो कि फरगना के शासक थे, कब? जब बाबर 11 साल का था। यानी 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, तो बाबर फरगना की गद्दी पे बैठ गया था 11 वर्ष की आयु में। जब बाबर गद्दी पर 11 वर्ष की आयु में बैठा, तो बड़ा नाबालिग था ये, समझदार था नहीं, तो इसे लोगों ने गद्दी से हटा दिया। बाबर को जब गद्दी से हटा दिया, तो बाबर कहां चला गया? समरकंद में। समरकंद तुर्की में चला गया, जहां शासन कौन करता था? तैमूर लंग। बाबर कहां चला गया? समरकंद में चला गया, जहां शासन करता था तैमूर लंग और उसके वंशज। तो बाबर ने उनको हराया और गद्दी पे आके समरकंद की पे बैठ गया।
1494 से लेके 1502 तक, 1494 से 1502 तक बाबर समरकंद की गद्दी पर बैठा। बाबर किस पक्ष से था? तैमूर पक्ष से। तो बाबर का जो पितृ पक्ष था तैमूर वाला, वहां समरकंद पे रूल किया करते थे, उनको हराया 1494 में, और 1494 से लेके 1502 तक वो कहां बैठा? समरकंद की गद्दी पर बैठा। समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं आ रहा? ये भी तुर्की में था। बाबर के सामने बड़ी परेशानियां आई। जब बाबर 11 साल का था, उसे हटा दिया गया। कहां से? फरगना से। भाई ये तो नाबालिग है, ऐसे हटा के फेंक दो यहां से। बेचारा भागा, 94 में पहुंच गया समरकंद। समरकंद पहुंचने के बाद 1502 में उज्बेक शासक का नाम क्या था? शेबानी खान। 1502 में जब बाबर समरकंद पे था, तो उज्बेक शासक शेबानी खान ने बाबर के साथ युद्ध किया, और उस युद्ध का नाम था सरे पुल का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और शेबानी खान। कब हुआ? 1502 में। इसमें शेबानी खान की विजय हुई, और शेबानी खान ने बाबर को समरकंद से भी विदा कर दिया। भाई तुम यहां से ही वापस जाओ, तुम यहां भी नहीं रहोगे। अब बाबर भटकता रहा, और बाबर 1504 में कहां पहुंचा? बाबर ने 1504 में काबुल और कंधार पर, अपना आधिपत्य कर लिया। बाबर ने काबुल और कंधार पर 1504 में अपना आधिपत्य कर लिया। अब ये काबुल और कंधार कहां पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। 1504 में काबुल और कंधार पे अपना आधिपत्य कर लिया, और काबुल को ही अपनी राजधानी बना लिया। बाबर ने काबुल को ही अपनी राजधानी बना लिया। जब बाबर ने 1504 में काबुल और कंधार पे आधिपत्य करने के बाद काबुल को अपनी राजधानी बना लिया, तो बाबर ने एक उपाधि धारण की स्वयं से, और उस उपाधि को क्या बोलते हैं? बादशाह या पादशाह। बाबर ने एक उपाधि धारण की, बादशाह या पादशाह, जिसका मतलब होता है स्टेबल रूलर, यानी कि एक जगह रुक के शासन करना, स्थायित्व शासन करना, स्थिर शासक। स्टेबल रूलर का मतलब क्या होता है? स्थिर शासक। बाबर ने काबुल पर आधिपत्य करने के बाद 1504 में काबुल को अपनी राजधानी बनाया, और स्वयं उपाधि धारण की स्टेबल शासक की, यानी कि स्थिर शासक की। ये उपाधि कब धारण की? 1507 में। 1504 में काबुल कंधार पे अटैक किया, कब्जे में लिया, काबुल को राजधानी बना लिया, 1507 में बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह का मतलब होता है स्टेबल रूलर, स्थिर शासक। समझ में आ रहा है फ्रेंड? नहीं आ रहा? अब हुआ क्या, बाबर ने उपाधि तो धारण कर ली स्टेबल रूलर की, लेकिन काबुल में भी कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, कुछ महामारी आ गई, जिसके कारण बाबर को काबुल और कंधार भी छोड़ना पड़ा। बाबर को अपना काबुल कंधार भी छोड़ना पड़ा। और बाबर ने काबुल कंधार को कब छोड़ा? बाबर ने भारत में सबसे पहला आक्रमण 1519 में किया। ध्यान रखना इस बात को दोस्त, 1519 में बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519
1519 में बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कहां हुआ? सिंध, सिंध में बाजौर नामक स्थान पर, भेरागढ़ के किले में हुआ। दोस्तों एक बात और, 1519 में जब बाबर ने भारत पर सिंध में बाजौर नामक स्थान पे, भेरागढ़ के किले पे जब आक्रमण किया था, तब भारत में कौन सा वंश था? मैंने बताया था, तो तब भारत में था हमारा लोधी वंश। और लोधी वंश का शासक कौन था तब 1519 में? इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने जब 1519 में इब्राहिम लोधी के शासनकाल के दौरान भारत के एक क्षेत्र सिंध के बाजौर नामक स्थान पर, भेरागढ़ किले पर आक्रमण किया। ये बाबर का पहला आक्रमण था। ओके फ्रेंड, बाबर का दूसरा आक्रमण जो भारत पे हुआ, वो आक्रमण कब हुआ? बाबर का भारत पे दूसरा आक्रमण ₹1520 और ₹1521 में। बाबर ने जो भारत पे दूसरा आक्रमण किया था वो 1520-21 में किया था, और कितनी बार किया? और यह आक्रमण बाबर ने 3 बार किया। ठीक है, बाबर ने 1520 और 21 में जो आक्रमण किया वो 3 बार आक्रमण किया। और वो कहां कहां किया? सिंध पे और कश्मीर पे। सिंध और कश्मीर पे बाबर ने 3 आक्रमण किए। कब? 1520 से 21 के बीच में। इससे पहले आक्रमण कब किया था? 1519 में। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत में कितने आक्रमण किए? तो वो आक्रमण की संख्या कितनी हो गई? फर्स्ट और प्लस 3, यानी कि बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत में 4 आक्रमण कर दिए थे। समझ में आ रहा है फ्रेंड, नहीं आ रहा है? बाबर ने 1519 में पहला आक्रमण किया सिंध पे बाजौर नामक स्थान के, भेरागढ़ किले पे। दूसरा जो 3 बार आक्रमण किया गया सिंध और कश्मीर पे किया गया 1520 से 21 के बीच में, 3 बार। अब हुआ क्या इसी बीच में, जब बाबर ने 1520 से 21 के बीच में जो आक्रमण किए सिंध और कश्मीर पे 3 बार, उसी बीच में क्या हुआ? सॉरी, जो पंजाब का गवर्नर था उसका नाम था दौलत खां लोधी। क्या नाम था? दौलत खां लोधी। दूसरा, जो दिल्ली पे गवर्नर था या दिल्ली पे सूबेदार था उसका नाम था आलम खां लोधी। ये इब्राहिम लोधी का अंकल था। और तीसरा, मेवाड़ यानी राजस्थान से जो थे वो थे राणा सांगा, जिन्हें क्या कहा जाता है? संग्राम सिंह। इन तीनों लोगों ने क्या किया? दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा ने क्या कहा कि बाबर को एक पत्र भेजा और उसमें यह कहा कि आप सिंध और कश्मीर पे अटैक करके क्या कर रहे हो, आप तो सेंट्रल में अटैक करो, दिल्ली पे अटैक करो। और दिल्ली पे कौन था? इब्राहिम लोधी। इसे जान से मारो, आप इधर उधर अटैक क्यों कर रहे हो? आपको दिल्ली पे अटैक करना चाहिए और यहां इब्राहिम लोधी है उसे मारना चाहिए, और धन लेके आप काफी चला जाएंगे यहां से, आपको धन काफी मिलेगा। राणा सांगा ने भी प्रस्ताव भेजा कि बाबर आप यहां आओगे तो आपका साथ मैं दे दूंगा, मेरी सेना आपकी मदद करेगी। क्योंकि बाबर के पास जो सेना थी
वो थी हमारी 12,000 और इब्राहिम लोदी के पास जो सेना थी वो थी 1,00,000। तो बाबर ये प्रस्ताव सुन के यहां आ गया और बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध किया। कब किया इब्राहिम लोदी के साथ? 21 अप्रैल 1526 को। इन तीनों ने मिलकर ही आमंत्रित किया था बाबर को। दौलत खान लोदी पंजाब से, आलम खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का अंकल था, चाचा था, और मेवाड़ से यानी राणा सांगा यानी संग्राम सिंह। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 को किया। किसके साथ हुआ? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा नीति का प्रयोग किया था इस युद्ध में। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। और क्या किया बाबर ने? बाबर ने उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया। इस पानीपत के युद्ध में बाबर ने उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया। अब ये उस्मानी विधि क्या होती थी? गाड़ियों में तोपों को लगाना, गाड़ी में तोपों को लगाना उस्मानी विधि कहलाती थी। तो बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया, चारों तरफ से घेरना और दूसरे पक्ष को विवश करना कि वो सामने से अटैक करे। ये होता था तुलगमा नीति। उस्मानी नीति मतलब गाड़ियों में तोपों को लगाना, ये तो बाबर की मेन पॉलिसी थी। अब जो तोपची थे काफी, बाबर जो उस्मानी विधि लेके आया गाड़ियों में तोपों को लगाने के लिए, तो जो प्रमुख तोपची थे वो थे उस्ताद अली, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। ये सबसे प्रमुख तोपची थे जिन्होंने बाबर का इस युद्ध में साथ दिया था तोपों में, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा खां। ध्यान रखना इस बात को। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने के पश्चात क्या किया? तो पानीपत में एक प्रोग्राम रखा और उसमें बाबर ने क्या बनवाया? काबुली बाग बनवाया और काबुली मस्जिद बनवाई जीत के उपलक्ष्य में। बाबर ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में काबुली बाग और काबुली मस्जिद पानीपत में बनवाई। पानीपत कौन सी नदी के पास है? यमुना नदी के पास। काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाई। बाबर की जो पत्नी का नाम था वो नाम क्या था? उस्मत काबुली बेगम। ये बाबर की पत्नी का नाम था, उसी के नाम पे बाबर ने काबुली मस्जिद और काबुली बाग बनवाया था, उस्मत काबुली बेगम। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा है? दूसरी बात, बाबर बागवानी का सबसे प्रमुख शौकीन था। जो काबुली बाग बनवाया था बाबर ने पानीपत में, वो बागवानी के लिए बनवाया था। तो बागवानी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बागवानी की शुरुआत बाबर के द्वारा की गई और बाबर ही बागवानी का प्रथम शौकीन था। खेतीबाड़ी जो किया करता था वो बाबर ही किया करता था। ओके फ्रेंड, ये बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के युद्ध को जीतने के पश्चात
काबुली बाग बनवाया और काबुली मस्जिद बनवाया, कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत कौन सी नदी के पास है? यमुना नदी के पास। अब बाबर को वैसे कायदे से कौन सा काम करना चाहिए? बाबर ने जो काम किया वो ये किया कि राणा सांगा ने जो निमंत्रण दिया था बाबर को कि बाबर तुम यहां आओ और इब्राहिम लोदी को जान से मारो, इस युद्ध में मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो जान चुका था कि बाबर जो वो ऐसा मंगोल है कि वो आके मुगल वंश की स्थापना करेगा, वो भारत में ही रहेगा, भारत से जाएगा नहीं, मेरी दाल नहीं गलेगी यहां पे। तो बाबर पहुंचा कहां? खानवा में। खानवा कहां पे है? खानवा है आगरा से 40 किलोमीटर दूर। बाबर की राजधानी भी थी आगरा, यह भी ध्यान रखना, बाबर की राजधानी आगरा ही थी और लोदी वंश की भी राजधानी आगरा ही थी। अगर पूछा जाए मुगल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, वो आगरा थी। लोदी वंश की अंतिम राजधानी कौन सी थी, वो आगरा थी। तो बाबर कहां पहुंचा? राणा सांगा के पास पहुंचा। राणा सांगा कहां था? खानवा, मेवाड़ राजस्थान, यानी कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर। तो बाबर ने राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध। किसके साथ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। यह युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में साथ दिया था राणा सांगा का मेदिनी राय ने, जो कि मालवा का शासक था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ मेदिनी राय ने दिया, जो मालवा का शासक था। इसके अलावा एक और था जिसका नाम था महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। बाबर जानता था कि खानवा के युद्ध को जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहां धुरंधर लोग राणा सांगा राजस्थान से, मेदिनी राय मालवा से, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, ये तीनों चारों लोग मिलके मेरे साथ लड़ रहे हैं, मेरे पास सेना नहीं है। तो बाबर ने क्या किया? सबसे पहले जो कहा अपनी सेना से, उसने कहा कि हम यहां क्यों आए हैं? इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। इस्लाम धर्म का प्रचार करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या आप चाहते हो कि काबुल कंधार में भटकना, आप इधर उधर भटकते रहो? क्या आप ये चाहते हो? नहीं तो आप मेरा इस युद्ध में साथ दीजिए। तो बाबर ने क्या किया था? इस्लाम धर्म का प्रचार किया था, यानी जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया, अपने धर्म को आगे कर दिया। ओके फ्रेंड। और इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने खानवा का युद्ध जब जीत लिया, बादशाह की उपाधि तो खुद धारण की थी बाबर ने, जब काबुल पे आधिपत्य कर लिया था, गाजी की उपाधि भी यहीं धारण कर ली खानवा के युद्ध को जीतने के पश्चात। अब क्या हुआ? बाबर ने अगला युद्ध किसके साथ किया? 1528 में मेदिनी राय के साथ। किसके साथ किया? मेदिनी राय के साथ। बाबर ने एक काम और किया था, बाबर ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन चलवाए थे। और वो कॉइन कौन कौन से थे? काबुल में चलवाए शाहरुख कौन, बाबर ने जो सिक्के चलवाए थे वो काबुल में चलवाए शाहरुख कौन, शाहरुख सिक्के। और कांधार में, कांधार में कौन से चलवाए? बाबरी सिक्के, यानी अपने नाम पे।
बाबर ने ये दो प्रकार के सिक्के चलवाए, शाहरुख कॉइन और बाबरी कॉइन, शाहरुख सिक्के और बाबरी सिक्के। अब हुआ क्या, बाबर ने काबुल के प्रत्येक सिटीजन को, एवरी सिटीजन ऑफ काबुल, काबुल के प्रत्येक नागरिक को ये शाहरुख सिक्के दिए, एक एक शाहरुख सिक्का दिया। तो एवरी सिटीजन जो लोग थे काबुल के, उन लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दान की, कलंदर की उपाधि दी। कलंदर का मतलब होता है दान देने वाला। जब बाबर ने दो सिक्के चलवाए चांदी के, शाहरुख सिक्के और बाबरी सिक्के, तो शाहरुख सिक्के काबुल के नागरिकों को दिए और काबुल के नागरिकों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। तो बाबर ने क्या किया, जो दो सिक्के चलवाए थे चांदी के, शाहरुख सिक्के और बाबरी सिक्के, शाहरुख सिक्के जो काबुल में चलवाए, वहां के नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को सिक्का दिया और उनने उनको क्या कहा, कलंदर की उपाधि दी, यानी दानवीर, दान देने वाला। और बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण कर ही ली थी, ये हमें पता ही है। तो 1527 में खानवा के युद्ध को जीतने के पश्चात 1527 से 28 के बीच में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1527 और 28 के बीच में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। और यह निर्माण किसने किया, बाबर के सेनापति, बाबर के सेनापति कौन थे हमारे, मीर बाकी। मीर बाकी के द्वारा 1527-28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, अब 28 में कौन सा युद्ध होगा बताओ भाई, राणा सांगा के साथ कौन मिला हुआ था, मेदिनी राय, जो कि मालवा का शासक था। तो बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, और यह युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां से था, मालवा शासक। बाबर यहां भी जीत गया। और इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने सर्वप्रथम जौहर को देखा था। इस युद्ध में क्या हुआ, बाबर जब इस युद्ध को जीत गया तो मेदिनी राय का सर कटवाया, बाकी सेनापतियों का सर कटवाया जितने इसकी मिलिट्री थी, और उनका एक महल बनवाया। और बाद में अपने सेनापति से कहा कि तुम जाओ मेदिनी राय के महल में, जितने भी हरम में महिलाएं हैं, क्योंकि हरम में महिलाओं को रखा जाता था, तो उसे कहा कि तुम जाओ और वहां देखो मेदिनी राय के हरम में जितनी भी महिलाएं हैं उनको लेके आओ। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो सारी महिलाएं जौहर हो चुकी थी, जौहर मतलब अपना आत्मदाह कर चुकी थी। ये बाबर ने इसका सर्वप्रथम दर्शन किया। ये हो गया हमारा 1528 तक का काल। 1529 में बाबर ने क्या किया, बाबर ने देखा कि मेरी सेना में एक ऐसा भी शख्स है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, और वो यहां सेनापति वेनापति का काम नहीं कर पाएगा, वो एक शासक बनेगा, वो समझ चुका था। और वो शख्स कौन था, फरीद खान या शेर खान। बाबर पहचान चुका था, ये जो फरीद खान है, शेर खान है, ये मेरी गुलामी नहीं कर पाएगा, ये बहुत जल्दी लंबा शासक बनेगा। जब उसे लगा फरीद खान को कि मैं बाबर की नजरों में आ चुका हूं, तो बाबर, फरीद खान यहां से चला गया कहां पे, अफगानिस्तान। और उसने कहा कि कसम खुदा की मैं एक बार यहां आऊंगा और इस मुगल वंश का पतन करके जाऊंगा। बाबर यहां से, फरीद खान यहां से चला गया। और कब आया फरीद खान वापस, 1529 में, 1529 में कुछ सेना को लेके साथ आया। तो 1529 में जो युद्ध हुआ बाबर का, वो युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध।
यह युद्ध बाबर और अफगानियों के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर फिर जीत गया और बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। इसे सर्वप्रथम आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन वहां से कुछ समय पश्चात निकालकर इसे काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। बाबर के चार पुत्र थे जिनके नाम थे हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदाल। बाबर के चार पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अश्करी, हिंदाल। ये था हमारा बाबर का मेन टॉपिक। अब हम एक बार युद्ध की ट्रिक देख लेते हैं बस जल्दी से, फिर हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाएगा बाबर के बारे में। तो बाबर के युद्ध की ट्रिक है हमारी, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। आयुर्वेद भी कहता है ना, खाना खाने से पहले पानी पीजिए, फिर खाना खाइए, फिर घूमने जाइए, वापस घर पे आ जाइए, सो जाइए। लेकिन यहां क्या हुआ, मर गया बेचारा। 26 में पानी पिया, 26 मतलब 1526, पानी मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी। 27 मतलब 1527, खाना मतलब खानवा का युद्ध। किसके बीच हुआ, बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा इट्स आल्सो नोन एज संग्राम सिंह। इन दिस वॉर बाबर वॉज वॉन। 28 मतलब 1528, चल मतलब चंदेरी का युद्ध। दिस वॉर बिटवीन बाबर एंड मेदनी राय। मेदनी राय वॉज द रूलर ऑफ मालवा। इन दिस वॉर बाबर वॉज वॉन। 29 मतलब 1529, घर मतलब घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और अफगानियों के बीच। और 30 मतलब 1530, मर मतलब बाबर की मृत्यु हो गई। ये था हमारा बाबर का प्रमुख टॉपिक, इसके बारे में हमने पढ़ा। बाबर ने एक काम और किया था, बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा को लिखा था कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में, जिसे कहा जाता था तुजुक ए बाबरी। बाबर ने जो पुस्तक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, उसे कहा जाता था तुजुक ए बाबरी। वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, तुर्की भाषा में। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अकबर के कार्यकाल के दौरान, और किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने। और नाम क्या दिया इसे, बाबर नामा। तुझके बाबरी वॉज रिटन बाई बाबर इन टर्किश लैंग्वेज, बट इट वॉज ट्रांसलेटेड बाई अब्दुल रहीम खान खाना इन द पीरियड ऑफ अकबर। इट्स ऑल्सो नोन एज बाबर नामा। ओके, थैंक यू क्लास। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।